नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। नवरात्र की सप्तमी का दिन है और ऐसे में आज हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं पटना के बंगाली अखाड़ा में। बंगाली अखाड़ा से आप समझ ही गए होंगे कि बंगाली रीति रिवाज से पूजा अर्चना। फिलहाल बंगाली अखाड़ा में माता रानी की प्रतिमा देखिए किस प्रकार से भव्य और अलौकिक है। बता दें कि इसका जो पट है वो खुल चुका है पिछले दिन ही, और सुबह सुबह पूजा की गई प्रातः काल में, और पिछले दिनों लोग आए दर्शन करने के लिए। हर साल आते हैं लोग देखना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से पूजा होती है। जो मूर्ति है माँ दुर्गा की, वो आप देख सकते हैं कि ऐसी मूर्तियाँ जो हैं आपको ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलती है, और ऐसे में जो रीति रिवाज होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और यही कारण है कि लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर दशमी की बात कर ली जाए तो उस दिन माता रानी का जब विसर्जन किया जाता है तो उस समय में माता रानी को सिंदूर लगाया जाता है। महिलाएं, जो सुहागन महिलाएं रहती है, वो सिंदूर खेला करती हैं और इसके बाद माता रानी को विदा कर दिया जाता है। लेकिन जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसको मायने रखते हुए, नज़र में रखते हुए, उसके मद्देनज़र जो ये पूरा का पूरा नवरात्र का त्यौहार है वो यहाँ पर मनाया जाता है। देखिए, फिलहाल इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ आयोजनकर्ताओं में से एक अभिषेक सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक जी, ये बताइए कि बंगाली रीति रिवाज से पूजा की जाती है, लोगों की भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा उमड़ती है पटना के बंगाली अखाड़ा में, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों से यहाँ पर पूजा होती है? यहाँ हो गया है करीबन 132 सालों से हमारे यहाँ पूजा हो रही है। और सबसे पहले आप लोगों को शुभ षष्ठी, आज षष्ठी पूजा है और 132 सालों से पूजा हो रही है। और हमारे यहाँ ऐसे ही मतलब कोई स्पेशल कुछ नहीं होता है, एक रिचुअल्स होती है, बंगाली रीति रिवाज से पूजा हो रही है यहाँ। तो उस मूर्ति वो एकदम अलग होती है, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की मूर्तियाँ हम देखते हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही माँ दुर्गा की प्रतिमा है। हमेशा ऐसे ही मूर्ति होती है, यहाँ कोई डिफरेंट या कोई थीम पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ ऐसे ही सिंपल और ऐसे ही पूजा हो रही है। मूर्ति सालों से ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं कि मूर्ति ऐसे ही बन रही है माँ की। तो बिल्कुल लोगों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है? बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, खास करके अष्टमी और नवमी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड, मतलब अप्रॉक्स 5 to 10 lakhs आदमी भी यहाँ आते हैं। तक रीति रिवाज की बात की जा रही है, परंपरा की बात की जा रही है, तो सुबह सुबह पूजा होती है, प्रातः काल में यहाँ पर पूजा होती है। बाकी अन्य जगहों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी पूजा होती है, लेकिन 8-9 बजे के अराउंड पूजा देखा जाता है। तो सुबह सुबह यहाँ पर पूजा होती है तो थोड़ा अलग है। यहाँ सुबह मतलब देखिए हर जगह एक टाइम होता है, तो इस बार क्या हुआ ना, इस बार 2024 में हर पूजा सुबह ही पड़ा है। जैसे पहली बार ऐसा हुआ है कि कुमारी पूजा और संधि पूजा में टाइमिंग आधे से एक घंटा के अंतर में पड़ा है, तो इस बार सारे पूजा सुबह ही पड़ रहे हैं। जैसे अभी शाम में सप्तमी लग जा रहा है, कल सुबह तक है, फिर कल के बाद फिर अष्टमी लग जा रहा है, तो ऐसा ही इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी अर्ली में सब पूजा पड़ रहा है। तो वैसे में दशमी को भी काफ़ी भव्य आयोजन किया जाता है यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा। दशमी को तो बहुत अच्छा यहाँ होता है, यहाँ सिंदूर खेला होता है, सब माताएं बहनें हमारी आती हैं और सब सिंदूर खेला होता है, उसी दिन माँ निकलेगी। मतलब 13 तारीख को यहाँ दशमी है, बहुत जगह 12 तारीख को भी हो रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ 13 तारीख को भगवान निकल रहे हैं। 12 तारीख को घट विसर्जन होगा और 13 तारीख को माँ यहाँ से विदा होंगी 6 बजे शाम। साफ तौर से कि माता रानी की जो पूजा होती है, माँ दुर्गा जो फिलहाल यहाँ पर विराजमान है, वो एक ही रूप में होती है। हर वर्ष माँ की मूर्ति ऐसी ही होती है, मूर्ति बेहद अलग है, अलौकिक है। हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि कितनी भव्य प्रतिमा है, कितनी बड़ी प्रतिमा जो है वो फिलहाल माँ दुर्गा की यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और महिषासुर के साथ साथ देवी का जो अन्य रूप है वो फिलहाल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, हाथ में त्रिशूल लिए माँ दुर्गा का अलौकिक रूप जो है वो
शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है जब से पट खुलता है, तभी से आप देख सकते हैं फिलहाल अभी भी कुछ लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, लोग आ रहे हैं क्योंकि सेल्फी का ज़माना है, लोग सेल्फी भी खिंचा रहे हैं और साफ तौर से देख सकते हैं कि एक एक कर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा अष्टमी, नवमी और दशमी को यहाँ पर भीड़ देखी जाती है और बड़ी जो भीड़ है लोगों की वो यहाँ पर पहुँचती है। पिछले 132 सालों से बंगाली रीति रिवाज में फिलहाल यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। आइए चलिए लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो दर्शन करने के लिए आए हैं, कैसा अनुभव उन्हें प्राप्त हो रहा है। आइए हमारे साथ, कैसा लगता है, हर वर्ष आती हैं या फिर पहली बार आई हैं, कैसी अनुभूति होती है यहाँ? यहाँ बचपन से लेकर हर साल यहाँ आते आए हैं और यहाँ की पूजा सब जगह की पूजा से थोड़ी अलग होती है। एक तो बंगाल की मूर्ति और वो जो यहाँ की परंपरागत बिहार की मूर्ति से यहाँ की मूर्ति बिल्कुल ही अलग होती है और एक वातावरण भी भक्तिमय होता है। जैसे कि सामान्य पंडाल पे लोग ये मान्यता करते हैं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा या पूजा उतने अच्छे से नहीं होती है जितनी की मान्यता है इस स्थान की होती है। और सारी पूजा में एक अलग ही वातावरण भक्तिमय रहता है, एक कॉमर्शियल जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहता है। अलग, हाँ, एक अलग, एक त्यौहार की, एक पूजा की एक गरिमा यहाँ होती है इस स्थान की। काफ़ी सालों से यहाँ? हाँ, बचपन से लेके पूरे स्कूल कॉलेज लाइफ से लेके आज तक भी यहाँ आते हैं। और एक और बात है कि यहाँ कल पट सब जगह कल खुलेगा, यहाँ षष्ठी से ही आरंभ हो जाता है तो यहाँ पूरे 5 दिनों का उत्सव हो जाता है। फिर ये, फिर कुमारी पूजन का अनुष्ठान, फिर संधि पूजा, ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से होती हैं। फिर विजयादशमी के दिन माँ का विसर्जन व सिंदूर खेला, यहाँ सारे उत्सव एक बहुत ही परंपरागत सुंदर तरीके से मनाए जाते हैं। मैम कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत सुंदर, एक अजीब सी शांति मिलती है, पवित्रतापूर्ण माहौल है, एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत अच्छा है। और मैं तो, मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है जब तक कि मैं बचपन से यहाँ आती रही हूँ, हम दोनों सिस्टर्स यहाँ पे हमेशा से आते रहे हैं और जब तक यहाँ नहीं आते हैं तो संतोष नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो बहुत अच्छी है और इतने मतलब कि डिसिप्लिन्ड मैनर में यहाँ सारे काम होते हैं, प्रसाद वितरण से लेकर के सब कुछ। और शोला का कार्य, ये जो अद्भुत मूर्ति बनती है वो हमको बहुत आकर्षित करती है। यहाँ की एक सहज ही भक्ति भावना और शांत वातावरण जो है यहाँ का, वह सहज में दर्शनीय नहीं होता है पूरे पटना में कहीं पर भी। तो ये पवित्रतापूर्ण वातावरण में आकर के ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, भगवती ही विराजमान हैं स्वयं। तो अलग अनुभव होता है, एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही स्पंदन, एक पवित्रता आपके अंदर महसूस होगी यहाँ आकर के। और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सारे परिचित लोगों से भी भेंट हो जाती है और सभी यहाँ पर आकर के इस उत्सव में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर बंगाली अखाड़ा में सम्मिलित होने। और ये बात नहीं है कि ये सिर्फ बंगालियों का ही है, मतलब हर वर्ग के लोग यहाँ पर आकर्षित होकर के आते हैं। तो मुझे यहाँ बहुत मन की शांति मिलती। देखिए फिलहाल कई लोग जो हैं वो माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहुँचे, इनसे ही जानने की कोशिश करते कैसा अनुभव है माँ दुर्गा के दर्शन करने। बढ़िया है मैम, बहुत बढ़िया है। बंगाली अखाड़ा हमेशा आते हैं या पहली दफा? यहाँ तो मोहल्ला में घर ही है हम लोग का। अक्सर आते होंगे? हाँ। अलग लगता है कुछ बाकी? यहाँ तो एकदम लगता है कि साक्षात माता के दर्शन हो गया जी। अभी पहला वाला भी घर से आ ही रहे दर्शन के लिए आए हैं जी। अच्छा लगता है जी? जी मैम, अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ मतलब कि बंगाल के लोग यहाँ के बनाते हैं हमेशा, ये मान के जून जुलाई से यहाँ काम शुरू हो जाता है यहाँ काम करने के लिए जी, 1-2 महीना कंटिन्यू चलता है यहाँ पे। लोग फिलहाल दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, महिलाएं हैं। मैम आप लोग दर्शन करने के लिए फिलहाल आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अभी तो आई हूँ बट ये देख रही हूँ कि षष्ठमी और अष्टमी ये जो हो रहा है थोड़ा टाइम इशू चल रहा है यहाँ पे, तो जो भी पूजा का माहौल बना है अभी वो बना नहीं है थोड़ा, तो अभी जगहों से तो अलग थोड़ा लगता होगा यहाँ पर। काफ़ी काफ़ी बहुत यहाँ पे भव्य एक दर्शन होता है, जो एक उमाद का जो ये चलता है पूजा,
वो काफ़ी देखने लायक है यहाँ पे। कैसा लग रहा है? बहुत है, मैं तो बचपन से यहाँ आती हूँ, यहाँ आए हुए दर्शन करती हूँ तभी संतुष्टि मिलती है माता की। अच्छा लगता है? बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और जगहों से कैसा अलग लगता है? यहाँ भव्य लगता है जी। कई लोग यहाँ पर फिलहाल दर्शन कर रहे हैं और हम दिखाएंगे आपको कि माता की भक्ति में फिलहाल जो है लोग लीन नज़र आ रहे हैं और माता की भक्ति कर रहे करते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं सर, दर्शन करने के लिए आए हैं, कैसा अनुभव हो रहा है माँ दुर्गा के? यहाँ की व्यवस्था तो एक अद्भुत है, देखने लायक होती है। पूरे पटना की, जब से हम लोग पटना में रह रहे हैं 50 साल से, यहाँ दर्शन करने ज़रूर आते हैं हम लोग। यहाँ आकर के बहुत शांति मिलती है, यहाँ की व्यवस्था में इतनी शांति है कि लोग धैर्यपूर्वक यहाँ लोग दर्शन कर सकते हैं, पूजा करते हुए देख सकते हैं। और ये पहली जगह आ तो रहे हैं राजेंद्र नगर से, लेकिन अभी ये पहली जगह मिली है जहाँ पर कि भी मूर्ति सामने में दर्शन के लिए मिले हैं। सब जगह पट अभी बंद है, हो सकता है कि और सब जगह रात में पट खुले, लेकिन हम लोगों को विश्वास था कि शायद यहाँ भक्तों के लिए सवेर ही पट खोल दिया जाएगा। और सचमुच यहाँ करके बड़ी खुशी हो, पहली जगह है जहाँ दर्शन हो सका है। अच्छा लगता है कि यहाँ पर कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम पटना में तो हम साइंस कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, हम अबका रिटायर्ड हो चुके हैं। हम जब विद्यार्थी थे, पढ़ने आए थे 1965 में, उसी समय मैंने नाम सुना था बंगाली अखाड़ा का, और मित्रों के साथ कभी कभार विद्यार्थी में जब थे तब भी हम यहाँ आते थे। और जब यहाँ टीचर बने साइंस कॉलेज में, उसके बाद से यहाँ का दर्शन करना एक बहुत बहुत आनंद देता है, बड़ी खुशी की बात है। देखिए दिखाना चाहेंगे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, अब आपको थोड़ा पंडाल भी दिखा देते हैं। जो पंडाल बनाकर तैयार किया गया है वो बेहद खूबसूरत है, और आप देख सकते हैं कि इस पर जो काम किया गया है वो बेहद खूबसूरती से काम किया गया है। लाइटिंग्स लगाई गई हैं, बहुत तरह की लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं, झूमर लगाए गए हैं ताकि माता रानी का जो स्वागत किया जाए वो भव्य तरीके से किया जाए। और ऐसे में लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है, बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, और लोगों ने क्या कुछ कहा है, एक अलग अनुभूति उन्हें यहाँ पर आने के बाद होती है। अगर बात की जाए यहाँ के रीति रिवाज की, बिल्कुल अलग है। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर यहाँ पर पूजा किया जाता है माँ दुर्गा का, और ऐसे में बंगाली अखाड़ा के दर्शन, आज षष्ठी पूजा और महासप्तमी की पूजा किस प्रकार से होगी ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और महासप्तमी के दिन हम आपको आज माँ दुर्गा के दर्शन करा रहे थे पटना के बंगाली अखाड़ा की। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।